आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। मैं हूं आपके साथ व्रत राकेश टंडन। एक तरफ जहां राजपथ पर गणतंत्र का गर्व हमने देखा, देश ने देखी वो झांकी, आत्मनिर्भर झांकी, और वो झांकी जो बताती है कि देश इतने सालों में कितना आत्मनिर्भर और कितना मजबूत हुआ है। गणतंत्र दिवस पर गर्व महसूस करती हुई वो तस्वीरें आपने अब तक देखी मेगा कवरेज में, लेकिन अब जो बड़ी खबर है वो किसानों के ट्रैक्टर मार्च से जुड़ी हुई। गणतंत्र दिवस परेड के बीच में किसानों का ट्रैक्टर मार्च, तैयारियां पूरी। ऐसे में सिंघू टीकरी गाजीपुर बॉर्डर से किसानों का मार्च अब शुरू हो गया है लगभग, क्योंकि 12 बजे का वक्त भी दिया गया था। लेकिन इसी बीच कई जगह किसानों के उग्र होने की भी खबर है। टीकरी बॉर्डर पर किसानों ने तोड़ा है बैरिकेड, इस वक्त की बड़ी खबर है। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों पर छोड़े हैं आंसू गैस के गोले, यानी जिस चीज का डर था। बार बार सरकार और पुलिस इसी बात को कह रही थी, कल तक किसान साफ कह रहे थे कोई उग्र नहीं होगा, अनुशासन में रहेंगे। लेकिन जो तस्वीरें हैं और जो खबर है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह साफ दिखाती है कि गर्व वाले दिन कैसे अनुशासन तोड़ा है। आपको याद होगा 5 से 6 राउंड की बातचीत दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और किसानों के बीच में होती रही। बार बार मनाने की कोशिश हुई कि ट्रैक्टर परेड को लेकर जिद छोड़िए, लेकिन किसान कहते रहे शांतिपूर्ण तरीके से हम ये कार्यक्रम पूरा करेंगे, इससे गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम पर किसी भी तरह का असर नहीं होगा। लेकिन ऐसे में 62वें दिन किसानों की ये तस्वीरें हैं, अलग अलग बॉर्डर से ये तस्वीरें हैं, कैसे भगदड़ जैसी स्थिति इन तस्वीरों में दिख रही है अंदाजा आप लगा सकते हैं। हालांकि हम लगातार जो कवरेज कर रहे हैं किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, लगातार अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि बेहद शांतिपूर्ण तरीके से, बेहद अनुशासनात्मक तरीके से यह आंदोलन आगे बढ़ता रहा। लेकिन आज की तस्वीरें जुदा हैं। पुलिस को कंट्रोल करने के लिए हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा, आंसू गैस के गोले भी कई जगह छोड़े गए हैं। कल तक सब बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी, अनुशासन में रहेंगे सारे किसान, सारे रूट्स फाइनल हो गए थे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद गए थे उन रूट्स पर, किसानों ने साफ कहा था कि हम ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, अपने रूट्स पर रहेंगे, किसी भी तरीके की कोई घटना घटित नहीं होगी। लेकिन गणतंत्र के परेड के बाद जो तस्वीरें, दो तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं टिकरी और सिंघू बॉर्डर की, आप देख सकते हैं बैरिगेट्स के ऊपर किसान चढ़े हुए हैं, हालांकि तिरंगे सबके हाथ में हैं। कैसे पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी है कि बैरिगेट्स ना तोड़ के किसान आगे आए। लेकिन दो तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि जितना पीसफुल प्रोटेस्ट अब तक ये हो रहा था, आज शायद 26 जनवरी के दिन आज वो स्थिति नहीं है जो पिछले 60 दिन के ऊपर से थी। क्योंकि गणतंत्र दिवस है, देश ने कई तस्वीरें पहली बार देखी हैं गणतंत्र दिवस की परेड में, लेकिन कुछ और तस्वीरें हैं जो हम पहली बार ही देख रहे हैं पिछले 62 दिन से जब से किसान आंदोलन चल रहा है। आज की तस्वीरें जुदा हैं। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, करनाल बाईपास पर जहां पर निहंगों और पुलिस में झड़प की तस्वीरें हैं, लठ चलाए गए हैं निहंगों की तरफ से, लाठीचार्ज पुलिस ने भी किया है उन्हें कंट्रोल करने के लिए। दूसरी तस्वीर टीकरी बॉर्डर पर जहां पर बैरिकेड हटाने की कोशिश हुई है। 5 तस्वीरों से हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के पहले आपको दिखाया था कैसे गणतंत्र का गर्व राजपथ पर था, और ये वो तस्वीरें जो शायद आपको भी सोचने पर मजबूर कर सकती हैं कि क्या सरकार ने जब कहा था कि प्रदर्शन में अपवित्रता आई है, क्या वो सही था?